और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पेशी आज होगी और पीएमएलए कोर्ट में आपको बता दें कि ईडी जो है वो पेश करेगी। गुरुवार रात को यानी कि कल रात जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल उनकी गिरफ्तारी की गई। शराब नीति घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई। ईडी लॉकअप में फिलहाल केजरीवाल बंद है और पूरी रात भी उनकी लॉकअप में कटी है। इससे पहले आपको बता दें ईडी ने बार बार समन भेजा था पेश होने के लिए लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंचे। तकरीबन 9 से 10 बार समन ईडी की तरफ से भेजा गया। जब केजरीवाल नहीं पहुंचे तो कल रात ईडी की टीम उनके घर पहुंची और उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से हालांकि जो सियासत है देश की वो पूरी तरीके से हाई हो चुकी है। विपक्षी तमाम पार्टियां जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है, साफ तौर पर इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की नाराजगी इस वक्त चरम पर है और आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई पूरी तरीके से आवाज उठाती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है वो इस एक्शन को लेकर सराहना करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ऐसा ही होना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट पहुंची आप और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की, आपने जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट का देर रात सुनवाई करने से इनकार और आज फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वकील और जल्द सुनवाई की अपील करेंगे। देखिए कल रात को हाई कोर्ट पहुंची थी आम आदमी पार्टी लेकिन कल रात को सुनवाई करने से मना कर दिया गया। तो उसके बाद केजरीवाल पूरी रात भर जेल में रहे और आज फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो कोर्ट जाएगी और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करेगी।